वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट, और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। आज हम बात करने वाले हैं स्टडी ऑफ साउंड के न्यूमेरिकल्स की, और ये है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैंने आपको क्वेश्चंस, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर्स एक्सप्लेन किए थे। अब हम बात कर रहे हैं यहां कुछ न्यूमेरिकल्स की जो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व है और कुछ अनसॉल्व है। तो लेट्स हैव अ लुक हियर। ये क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर। आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू व्हाट, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, यह आपने देखा है। और वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी आपको पता है। तो लेट्स हैव अ सी फर्स्ट एग्जांपल। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ साउंड वेव ऑफ 25 सेंटीमीटर वेवलेंथ। इसका मतलब है कि 25 सेंटीमीटर की एक वेवलेंथ है, ओके, और 1.5 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से वो ट्रैवल हो रही है साउंड वेव्स। सो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। यदि 1.5 किलोमीटर जाना है, इसका मतलब है कि 1.5 × 10³ मीटर जाना है। यदि 25 सेंटीमीटर वेवलेंथ है, इसका मतलब है, वेवलेंथ यानी आप समझते हो, दिस इज कॉल्ड एज अ वेवलेंथ। पता है ना वेवलेंथ? ओके, इसका मतलब है कि दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस, समझ रहे हैं? दो कंजुकेटिव कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज अ वेवलेंथ, डिनोटेड बाय दिस ग्रीक लेटर लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी दी है 1.5 किलोहर्ट्ज यानी 1.5 हर्ट्ज, 1.5 × 10³ हर्ट्ज। इसका मतलब ये भी हो गया, सॉरी फॉर द, इसका मतलब ये हो गया कि किलोहर्ट्ज को हमने हर्ट्ज में कन्वर्ट किया, वेवलेंथ को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, और यह डिस्टेंस को किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट किया। ये करना जरूरी है, ये आपको समझना जरूरी है, यहां मैंने करके दिया है। फाइंड क्या करना है, एक्चुअली हमें टाइम फाइंड आउट करना है, लेकिन टाइम तक जाने के लिए हमें वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है, अक्सर हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला नहीं, हमने नहीं भी की तो चलेगा, लेकिन वो नहीं करेंगे तो आंसर आगे का नहीं आएगा। तो दैट्स why we हैव टू डू दिस। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू वट इज दिस, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वट इज फ्रीक्वेंसी बेटा, 1.5 × 10³ अर्ट्स इंटू वट इज दैट, ये फ्रीक्वेंसी हो गई क्या, ओके, वट इज वेवलेंथ, 0.25, इट इज वेवलेंथ, इज इट। जब हम इसका कैलकुलेशंस करेंगे, व्हेन वी विल कैलकुलेट दिस, वी विल गेट सम आंसर। तो ये आंसर आपको यहां लिखना है, और ये हो गई वेलोसिटी, इसको आपको मीटर पर सेकंड लिखना है। कैन यू राइट इट, ओके, इट इज दैट यू कैन राइट हियर इन द व्हाट कमेंट बॉक्स, got it, okay, I will write later at last after this example completion। sir aap kaise solve karenge yadi aapko velocity pata nahi hai, to how you can solve the time, how you can find the time, main aapko batata hu main kaise find out karunga। we already know that ki velocity is equal to distance अपॉन टाइम, ये आपको पता है। अब मैं क्या करूंगा, टाइम को इस साइड लूंगा, और मैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी को करूंगा, डिस्टेंस अपॉन व्हाट, वेलोसिटी। अब मैं इस कैलकुलेशन के लिए डिस्टेंस मुझे पता है कि 1.5 × 10³ मीटर डिवाइडेड बाय, अब मैं वेलोसिटी क्या ले रहा हूं, ध्यान से समझिए, व्हाट वेलोसिटी आई एम टेकिंग हियर, आई एम टेकिंग वेलोसिटी
दैट इज व्हाट इज द वेलोसिटी 1.5 इंटू क्या है 1.5 इंटू 10 रेज टू 3 इंटू 0.25 विदाउट कैलकुलेशन दैट्स ग्रेट ओके ये वेलोसिटी आई है बस डायरेक्टली मैंने ले ली क्यों क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करना आसान जाएगा दैट्स व्हाई ओके तो यहां देखिए ये वाला सेम है तो क्या होगा कैंसल होगा अभी जो बचेगा वो जरा ध्यान से समझिए 1 अपॉन 0.25 इस केस में हम क्या कर सकते हैं ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे का पॉइंट जाने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100 अपॉन 25 आ गया तो यहाँ 25 1 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा यानी हमारा आंसर आ गया 4 सेकंड क्या आ गया 4 सेकंड इज इट क्लियर ओके गुड तो यहाँ नहीं आ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे ध्यान से समझिए 4 सेकंड ठीक है तो दिस इज व्हाट टाइम तो व्हाट यू राइट हियर टाइम टेकन बाय साउंड वेव्स सो आंसर में हम यहां लिखेंगे टाइम टेकन बाय साउंड वेव्स टू ट्रैवल का स्पेलिंग क्या है आपको पता है टू ट्रैवल कितना 1.5 किलोमीटर इज 4 सेकंड कितना टाइम लगा है 4 सेकंड ध्यान दीजिए इट्स वेरी सिंपल सर ये कैलकुलेशन नहीं किया तो भी आपने आंसर लाया बहुत बढ़िया अब ये निकालने की जरूरत है यस यू कैन फाइंड इट आउट आपने किया होगा कमेंट बॉक्स में लिखा होगा तो आपका समझ आ जाएगा 1.5 इंटू यदि हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये 10 रेस टू 3 रहेगा ही ऐसा उसको रहने देते तो 25 फाइजा करते हैं तो भी चलेगा या तो हम 15 फाइजा करते हैं तो वो क्या आता है 75 और 15 टू ज़ा कितना होता है 30 एंड 7 कितना होता है 37 अब ये 1 2 3 ये 3 पॉइंट है यदि ये 3 पॉइंट अब देखिए समझिए ये ऐसा होता और यदि मैं 10 था मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करता 1000 से क्योंकि 10 रेस टू 3 का मतलब है 1000 व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस द आंसर इज 375 तो यहां मैं प्यार से लिखता हूं 375 मीटर पर सेकंड बात आपको समझ में आ रही है और आप चाहे तो आपके टेक्स्ट बुक में भी ये आंसर देख सकते हो इस प्रकार है गॉट इट आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ इट इज इट गुड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर हैव अ वेलोसिटी ऑफ 340 मीटर पर सेकंड इन एयर व्हाट इज देयर फ्रीक्वेंसी ओ गुड क्या क्वेश्चन है साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि 1 × 10⁻²⁪ मीटर क्योंकि 1 सेंटीमीटर है अब देखिए मैंने आपको बोला है कि 1 सेंटीमीटर है अब हमें बड़े में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा अब डिवाइडेड बाय 100 इज नथिंग बट व्हाट यू कैन से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 0.01 मीटर ऐसा भी लिख सकते हैं इसको ऐसा भी लिखा जाता है कि 1 अपॉन 10⁻²⁪ ऐसा ही लिखा जाता है आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 × 10⁻²⁪ देखिए जो कि मैंने यहां ये लास्ट वाला चुना है 1 × 10⁻²⁪ आपको पता होना चाहिए इसके लिए मैंने ये सब बता दिया है आई होप यू गॉट इट एंड यू कैन रिमेंबर दिस फॉर लॉन्ग टाइम व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट द स्मॉलर इनटू बिगर वैल्यू यू हैव टू डिवाइड बाय दैट पर्टिकुलर जीरोस ओके गुड सो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दिया है 340 मीटर पर सेकंड पूछा क्या है ये बताते बताते मैं तो भूल गया आपको याद है तो फटाफट सॉल्व करिए साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर हैव अ वेलोसिटी ऑफ दिस वन व्हाट इज देयर फ्रीक्वेंसी हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है हमारे लिए फॉर्मूला क्या है
वेलोसिटी है हमारे पास इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ओ दैट्स ग्रेट, तो फिर ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है तो डायरेक्टली हम लिखते हैं v इज इक्वल टू वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ओहो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या आएगा, व्हाट इज वेलोसिटी, ओहो 340 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज दैट फ्रीक्वेंसी, वी हैव टू फाइंड इट आउट। और व्हाट इज दैट वेवलेंथ, ओके वो तो लिख दो यहां 1 इंटू, देखो इट इज अप टू यू सर, हम ये लिखे तो चलेगा कि 0.01 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वैसे लिख सकते हो 0.01 मीटर ऐसा लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। अब वो नीचे जाएगा तो क्या होगा, 340 डिवाइडेड बाय क्या होगा 0.01 इज इक्वल टू व्हाट दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी, हम यहाँ फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखते हैं चलेगा। अब देखिए, या मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 340 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 100 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। समझने के लिए मैं इस प्रकार लिख रहा हूं, देखिए तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, एफ आर ई क्यू यू ई एन सी वाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अब ऊपर क्या आएगा 34,000 डिवाइडेड बाय 1। अब 34,000 क्या आएगा, ये हर्ट्ज आएगा। अब मुझे बताओ कि क्या क्वेश्चन है, कैन दिस साउंड बी हर्ड बाय द ह्यूमन ईयर, 34,000 हर्ट्ज है, नो, व्हाई, व्हाट्स द रीजन, दिस फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन ह्यूमन एबिलिटी, ह्यूमन्स एबिलिटी टू हियर साउंड। व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन ईयर, डू यू नो, ओके वी नो दैट द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन ईयर, ये मैं डिटेल में लिख रहा हूं, वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन ईयर इज अप टू 20,000 हर्ट्ज, गॉट इट, ओके। सो आई होप यू एंजॉयड द लर्निंग विथ मी। तो इस टाइप के इतने ही एग्जाम्पल्स हैं, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, तब तक के लिए इस वीडियो की इस एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना है, आपके दोस्तों में शेयर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है इफ यू आर न्यू टू द चैनल, गॉट इट। आपको यदि हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करने को नहीं भूलना, बाय।